अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अभी बता दें कि सीएम आवास के पास हम खड़े हैं और सीएम आवास में जेपी नड्डा अंदर नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बता दें कि यहाँ सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं पटना। और इसके साथ साथ बात कर लीजिए तो आज भागलपुर में हो जाएंगे, उसके साथ आज गया में भी उनका दौरा है अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज का। वहाँ जाके नए बिल्डिंग जो बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ जो पटना में IGMS में जो देश के सबसे बड़े अस्पताल बन रहे हैं आँख का, उसको लेकर वहाँ निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ बात कर लिया तो कई तमाम विधियों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रदेश के जो तमाम नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो है आगे की रणनीति भी तय करेंगे। इसके साथ साथ बात कर लिया तो कल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके साथ साथ बात कर लिया तो कई मुद्दों को लेकर इनका दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जो बिहार में जो राजनीतिक उलटफेर हुई उसके बाद जो है उनका दौरा, उसके साथ साथ एक तरफ जो तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई नीतीश कुमार को, उसके बाद जो कई चर्चाओं लग रही है राजनीतिक गलियारों में कि जेपी नड्डा पहले ही पटना पहुंचने के बाद सीधे सीए स्टेट गेस्ट हाउस जाते हैं, उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस में सरकारी कार्यक्रम में भाग न लेकर पहले सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं और सीएम नीतीश कुमार को इनवाइट करने के लिए IGMS तक ले जाने के लिए यहां पहुंचते हैं। इसके बाद देखना होगा कि आगे के जो उनका कार्यक्रम है, कल 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, कल तक कार्यक्रम, उनके बाद कल दिल्ली लौट जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ होती हुआ आपको हम अपडेट कराएंगे। पटना से न्यूज डेस्क के लिए विवेक रंजन। ये अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अभी बता दें कि सीएम आवास के पास हम खड़े हैं और सीएम आवास में जेपी नड्डा अंदर नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बता दें कि यहाँ सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं पटना। और इसके साथ साथ बात कर लीजिए तो आज भागलपुर में हो जाएंगे, उसके साथ आज गया में भी उनका दौरा है अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज का। वहाँ जाके नए बिल्डिंग जो बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ जो पटना में IGMS में जो देश के सबसे बड़े अस्पताल बन रहे आँख का, उसको लेकर वहाँ निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ बात कर लिया तो कई तमाम विधियों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रदेश के जो तमाम नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो है आगे की रणनीति भी तय करेंगे। इसके साथ साथ बात कर लिया तो कल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके साथ साथ बात कर लिया तो कई मुद्दों को लेकर इनका दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जो बिहार में जो राजनीतिक उलटफेर हुई उसके बाद जो है उनका दौरा, उसके साथ साथ एक तरफ जो तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई नीतीश कुमार को, उसके बाद जो कई चर्चाओं लग रही है राजनीतिक गलियारों में कि जेपी नड्डा पहले ही पटना पहुंचने के बाद सीधे सीए स्टेट गेस्ट हाउस जाते हैं, उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस में सरकारी कार्यक्रम में भाग न लेकर पहले सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं और सीएम नीतीश कुमार को इनवाइट करने के लिए IGMS तक ले जाने के लिए यहां पहुंचते हैं। इसके बाद देखना होगा कि आगे के जो उनका कार्यक्रम है, कल 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, कल तक कार्यक्रम, उनके बाद कल दिल्ली लौट जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ होती हुआ आपको हम अपडेट कराएंगे। पटना से न्यूज डेस्क के लिए विवेक रंजन।